जी, मेरा नाम मुरारी कुमार पांडे है। मैं अभी जय माता दी पूजा समिति में पूजा करवा रहा हूँ, वहाँ का आचार्य हूँ। अभी नवरात्रा में इंगेज है, आज तो वही दुर्लभ निमंत्रण के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए थे। अभी पूजा संपन्न हुआ दुर्लभ निमंत्रण के लिए, और फिर प्रातः यहाँ आकर दुर्लभ निमंत्रण दुर्लभ यहाँ से जाएगा। जाने के बाद जो है सो वहाँ भगवती का पूजन होगा, कल आँख खुलेगा, कल सप्तमी है, और फिर जो दैनिक पूजन चलता है कल काल रात्रि का पूजन होगा। पूजन होने के बाद कल काल रात्रि का पूजा मतलब निशा रात्रि कल ही पूजा होगा? जी नहीं, कल निशा रात्रि का पूजन नहीं होगा, वो अष्टमी के रात में निशा रात्रि का पूजन होता है। उसमें रात्रि का महत्व दिया गया है, जैसे अष्टमी यदि जिस दिन भी रात्रि में पड़ेगा उसी दिन निशा पूजा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कल आपको रात्रि में अष्टमी नहीं है, कल सप्तमी है, इसलिए कल निशा पूजा नहीं हो पाएगा। परसों निशा पूजा होगा नहीं किया जाए। और परसों जो है सो भगवती का हवन है, निर्माण नहीं हो रहा है। और उसके बाद शुक्रवार को और सीता की दशमी है, दशमी होने के कारण भगवती का विसर्जन होगा। और फिर ये नवरात्रा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी पूजन पाठ होते हैं, वो सब का समापन हो जाएगा। एक बात बताया जाए, जो बेल निमंत्रण की महत्ता पर बिल्लव निमंत्रण हम करते हैं, कि जैसे बिल्लव का जो फल होता है उसमें भगवती का निवास कहा गया है। तो यहाँ हम लोग भगवती को आवाहन करने के लिए आते हैं, भगवती को निमंत्रण देने के लिए आते हैं कि हे भगवती, आप यहाँ से हम जो नवरात्रा का पूजन करने जा रहे हैं, काल रात्रि जैसे सप्तमी रात्रि सब देवियों का जो पूजन करने जा रहे हैं आगामी दिनों, तो इनके लिए आप हमारे पंडाल में हमारे पूजन स्थल में उपस्थित होकर हमारे पूजन को प्रदान करें। और हम सभी पूजा करने वाले जो उपासक गण हैं, समाज का जो भी आदमी हो या फिर जो भी पूजा का उपासक हो, उन सबों को फलित हो, इसीलिए हम यहाँ बिल्लव निमंत्रण करते हैं, भगवती को आह्वान करने के लिए आते हैं। आज निमंत्रण दिए हैं, कल प्रातः आकर के यहाँ फिर भगवती का मानना है कि बिल्लव फल में ही भगवती का निवास है, यहाँ से हम बिल्लव फल को लेकर के जाएंगे, फिर उसी पर हमारा पूजन होगा। मूर्ति जो होता है वो दार्शनीय चीज होता है, उन पर दर्शन करके पूजन जो है सो इसी पर कराया जाता है। सर, शारदीय नवरात्र की विशेषता पर आप प्रकाश डाली कि इस शारदीय नवरात्र करने से क्या फल होता है, इसको कौन करे? शारदीय नवरात्रा एक प्रकार से तो मान लेते हैं कि जैसे भगवती का किसी भी कोई भी पूजा प्रतिष्ठा मनुष्य को हमेशा करना चाहिए, पर हमेशा आए दिन मनुष्य जो होता है वो हमेशा अपने कामों में बिजी रहता है। हो सकता है कि उसको फुर्सत नहीं मिल पा रहा हो, कि चाहने पर भी वो समय नहीं निकाल पा रहा हो। ये शारदीय नवरात्रा एक प्रकार का जो एक साल भर में आने वाला एक तिथि है, जिस तिथि के अंतर्गत कम से कम उपासक को सात्विक ढंग से रह करके, रहन सहन को अपने नियम में समेट करके, खान पान को सीमित ढंग से रख करके, जैसे खान पान का बोले तो जैसे फलाहार, निराहार, यताहार, तन्नमस्को समाहितो, यानी निराहार रहकर आप यदि चाहे तो बिना कुछ खाए, आप चाहे तो बिना कुछ पिए, आप चाहे तो थोड़ा बहुत फल लेकर, ऐसा जिस तरह आपसे पार लग सके ऐसा करके आपको व्रत करना चाहिए। व्रत करने के उपरांत जैसे सही ढंग से यदि हम व्रत करते हैं तो भगवती हमें जरूर फल प्रदान करती है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्येक पूरे संपूर्ण नवरात्र में हवन करना चाहिए। संपूर्ण नवरात्रा में हवन का विधान नहीं है, प्रत्येक दिन हवन का विधान नहीं है, हवन का विधान नवरात्रा में नौमी तिथि को ही कहा, मतलब हवन का विधान दिया गया है। नौमी तिथि मतलब हवन कर देने से हमारा ये होता है कि नवरात्रि नौ दिन का जो नौमी तक जो आने वाले जो कार्यक्रम होते हैं वे सारे कार्य पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो जाते हैं, बस भगवती का विसर्जन और अपराजिता पूजा दशमी के दिन जो होता है वही बाकी रह जाता है। दशमी के पूजा के साथ, भगवती के विसर्जन के साथ पूरा नवरात्रा का जितना भी कार्यक्रम है भगवती के विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है।